सर, अब बजट सत्र चल रहा है, बजट अभी पेश हो गया, लेकिन विपक्ष को विकास दिख नहीं रहा है, लगता है कि चश्मा बदलने की जरूरत है। देखिए, उर्दू का एक बहुत बढ़िया शेर है, मैं उसी से शुरू करता हूँ। करेंगे वो क्या किसी की रहनुमाई लुटा के, जो खुद कारवां आ गए, जिन्हों उनको समय मिला था और अपने समय में कुछ गिनाने के लिए तो है नहीं। आज 10 वर्षों में बजट का आकार 2.5 गुना बढ़ गया। देश में भर में GDP विकास दर बिहार की सबसे ऊपर है, वो उनको नहीं दिखती। प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया लोगों का, जो इंडिकेटर्स होते हैं, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है, 1000 पर अब 29 हो गया, राष्ट्रीय औसत 30 का है। आपको मदर्स मॉर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर जिसको कहते हैं, वो घटकर 1 लाख में पहले 321 था, अब घट के 149 रह गया। तो ये विकास के इंडिकेटर पूरी दुनिया में, सड़कों का जाल जिस तरह से बिछा है, गाँव में सड़कें बन रही हैं, कोरोना काल में भी बजट आपका 19,000 करोड़ ज़्यादा बढ़ा है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो इन पर उनका ध्यान नहीं, और बजट अभिभाषण की चीज़ों को पढ़ना चाहिए नेता प्रतिपक्ष को। आप देखिए, बिहार के इतिहास में पहला बार हुआ है बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं रहे, ऐसा समय भी हुआ। अब उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते थे संवैधानिक चीज़ों का? बजट सत्र चल रहा है 2 दिनों से, बजट के दिन भाषण के दिन उपस्थित होते हैं, किसी का लिखा हुआ देखकर पढ़ते हैं, बजट तो पढ़ा नहीं होगा उन्होंने। उन्होंने कल एक बात उठाई, मैं कहना चाहता हूँ मीडिया के मित्रों के माध्यम से, कि सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारा कोऑर्डिनेशन है, एक ही फॉर्मेट कई वर्षों से चल रहा है, क्योंकि वो जनता के विकास का फॉर्मेट है, वो जनता की सड़कों के निर्माण का फॉर्मेट है, वो किसान भाइयों को फसलों का उचित मुआवजा मिले इसका फॉर्मेट है, और ऐसा लगातार हम लोग ऐसा ही फॉर्मेट बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, तारकिशोर जी रेणु देवी के नेतृत्व में लगातार हम लोग छापते रहेंगे और बिहार की जनता का विकास करते रहेंगे। रह गई बात कोऑर्डिनेशन की, और कल बड़ी चर्चा हो रही थी, सदन थोड़ा देर के लिए बाधित हुआ, तो ये नीतीश कुमार जी का नैतिक बल है, और NDA और भाजपा के गठबंधन की कोऑर्डिनेशन की चिंता न करें वो, क्योंकि इसी गठबंधन में अमित सुभानी जी को हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी बनाया और आगे बना के रखेंगे, इसलिए इसकी चिंता भी न करें वो, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास के साथ NDA की सरकार मजबूती के साथ। विपक्ष कह रहा है कि जो बजट का पूरा पैसा वो खर्च नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने बजट लाई थी, आप सब लोग भी साक्षी हैं, 2,18,000 का बजट। इस बार जब बिहार सरकार ने बजट लाई कोरोना ऐसा महामारी में, जबकि पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, वैसी परिस्थिति में बिहार की बजट जो है 2,37,000 करोड़ का है, कितनी बड़ी बजट है। विपक्ष को हमको लग रहा है विकास का देखा, बिहार में विकास नहीं दिखाई दे रहा है, उनको विकास देखने का जो नजरिया है वो टूटा हुआ चश्मा पहनकर बिहार विधानसभा में आते हैं, इसलिए उनको विकास नहीं दिखाई दे रही। कौन सा विभाग का पैसा बचा हुआ है? हम देख रहे हैं पत्नी वाली विभाग में 100% राशि खर्च हो गई, ग्रामीण कार्य विभाग में टोटल के टोटल राशि खर्च हो गई। बिहार विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोरोना ऐसा महामारी में सब लोगों का जो राशि क्षेत्र में विकास करने के जो राशि थी, वो सबके सभी राशि जो है 100% कोरोना ऐसा महामारी में खर्च हुई है, तो राशि तो बचा हुआ है नहीं। विपक्ष को इस चीज़ के अध्ययन करना चाहिए।